कॉलेज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक्सेल के कुछ फॉर्मूलाज लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे डी एवरेज फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम डी एवरेज फंक्शन का यूज क्या है वो देख लेते हैं। सो दिस फंक्शन एग्जामिन्स अ लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोड्यूसेस एन एवरेज। सिंटेक्स की ओर चलते हैं। सिंटेक्स आपको अच्छे से रीड करना है, विदाउट सिंटेक्स आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। सो इक्वल्स टू डी एवरेज विद इन ब्रैकेट डेटाबेस रेंज फील्ड नेम क्राइटेरिया रेंज। तो तीनों चीजें होती क्या है? तो फर्स्टली हम बात करें डेटाबेस रेंज। सो डेटाबेस रेंज इज द एंटायर लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड टू एग्जामिन इंक्लूडिंग द फील्ड्स नेम एट द टॉप ऑफ द कॉलम्स। सेकेंड वन इज फील्ड नेम। सो फील्ड नेम इज द नेम और सेल ऑफ द वैल्यूज टू बी एवरेज सच एज यूनिट कॉस्ट और FC। At last, the criteria range is made up of two type of information. So, the first set of information is the name or names of the field to be used as the basis for selecting the records such as the category, brand or weightage. The second set of information is the actual record or records which are to be selected such as Horizon as a brand name or 100 as a weightage. तो चलिए हम चलते हैं अपने टेबल की तरफ जहां हमने एक टेबल प्रिपेयर की हुई है। सो फर्स्ट प्रिपेयरिंग टेबल में है प्रोडक्ट वेटेज लाइफ आवर्स ब्रांड नेम, उसके बाद ब्रांड की यूनिट कॉस्ट मेंशन की हुई है, बॉक्स क्वांटिटी, बॉक्स इन स्टॉक, एट लास्ट वैल्यूज ऑफ स्टॉक। तो एज अ क्वेश्चन हमें रिक्वायरमेंट है टू कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ बल्ब। आप ऊपर देख रहे होंगे हमने ब्रांड नेम मेंशन किए, उसमें 2-3 ब्रांड्स नेम है और उनके साथ में ही है उसकी यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट के हेल्प से ही हम यहाँ पर एवरेज को शो करेंगे। सो उसके लिए हमें मेंशन करना होगा सबसे पहले ब्रांड, यानी कि जिस ब्रांड का हमने यूनिट कॉस्ट सॉल्व करना है उस ब्रांड का आप नेम मेंशन कर देंगे। उसके बाद एवरेज को शो करने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे। सो फॉर्मूला इज डी एवरेज, ब्रेसेस अब स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे यहाँ हमने सिलेक्शन करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल डेटाबेस की। ये आप सिंटेक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस दैट मींस कि आपने जितनी भी कॉलम रेडी की हुई है, जितने भी आपने यहाँ पर डाटा स्कोर किए हुए हैं उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने कॉमा, उसके बाद आपने शो करना है फील्ड, यानी कि किस फील्ड के थ्रू आप एवरेज कॉस्ट शो करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया एवरेज कॉस्ट जो हम निकालेंगे यूनिट कॉस्ट की हेल्प से, दैट्स व्हाई मैंने यूनिट कॉस्ट सेक्शन पे क्लिक कर दिया। देन अगेन कॉमा, एट लास्ट ये हमसे मांग रहे हैं क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया यानी कि अपने किस ब्रांड का एवरेज कॉस्ट निकालना है उस ब्रांड को सिलेक्ट कर लेना है। कुछ भी नहीं करना आपने, ब्रैकेट क्लोज किया, उसके बाद जस्ट एंटर प्रेस। तो आप देख रहे होंगे आपको सनबीम ब्रांड का एवरेज कॉस्ट मिल गया है। ऐसे अगर आप चाहते हो अनदर ब्रांड का अपने एवरेज को शो करना है, जैसे कि यहाँ पे दूसरा ब्रांड कोड है यहाँ पे हॉरिजॉन, तो मैं आपने कुछ नहीं करना है, इसमें हॉरिजॉन मेंशन कर देना है सनबीम की जगह, देन एंटर, तो आपको यहाँ पर हॉरिजॉन का आंसर मिल जाएगा। होप सो आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी, आपको फॉर्मूला अच्छे समझ में आ गया होगा। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, अपनी नोटबुक में नोट भी कीजिए। थैंक यू।